प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बेटा मस्ते नहीं आई। हाँ। तो ये है वो नटखट। जीठा जी, यू श्योर आपको ट्यूब रिपेयर करना आता है? बबीता जी, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। और अब भी मेरा घर पे ट्यूबलाइट बिगड़ी थी तो मैंने रिपेयर की। बापूजी दया बोल रहे थे, अब्दुल को बुलाओ। मैंने बोला नहीं, छोटा सा काम के लिए छोटा सा अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है। मैंने फटाफट यूं हंसते हंसते रिपेयर कर दी ट्यूबलाइट। अच्छा ओके। ले बबीता जी, ये तो कमाल इफ्तेताक हो गया। क्या हो गया? इफ्तेताक मतलब हमारे घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी और आपके घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी। ओके, यू मीन कोइंसिडेंस। हाँ, वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, उर्दू में उसको इफ्तेताक बोलते हैं। ओके। बबीता जी, आपने खाना खा लिया? हाँ। बोलो, मैंने भी खा लिया। और मैंने भी खा लिया। एक और कोइंसिडेंस। गोली बेटा मस्ती नहीं, हम इधर ट्यूबलाइट रिपेयर करने आए हैं। तो बोलो कहाँ से रिपेयरिंग स्टार्ट करूँ? गोली बोला ना मस्ती नहीं, रिपेयरिंग मैं करूंगा। बबीता जी, आपके पास घर में सीढ़ी होगी? सीढ़ी? जीठा जी, ये ट्यूबलाइट ठीक करना है, सीढ़ी प्लेयर नहीं। बबीता आंटी, लगता है जेठा अंकल डिस्को की सीडी डालकर म्यूजिक सुनते सुनते ट्यूबलाइट ठीक करेंगे, है ना? गोले, नहीं बेटा मस्ती नहीं। बबीता जी, सीडी मतलब वो सुनने वाली सीडी नहीं, सीडी वो पगथिया वाली सीडी होती है ना, जिस पे चढ़कर मैं ये ट्यूबलाइट तक पहुंच सकूं। ओह राइट, यू मीन लैडर। या ही इज ट्राइंग टू से लैडर। नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल लगा तो भी चलेगा। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। वाओ अंकल, मजा आएगा। क्या इसमें मजा क्या आएगा तुझे? अरे मैं किसी को फर्स्ट टाइम ट्यूबलाइट ठीक करते हुए लाइव देख रहा हूँ। लेकिन बेटा, तेरी मजा में और स्टूल बराबर पकड़ना, कहीं मुझे गिरा मत देना। डोंट वरी अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो मेरे पापा आपका इलाज कर देंगे। अरे बबीता जी, आप कहाँ उठा रही है, मुझे बुला लिया होता। It's okay. छोड़ दीजिए अभी, मैं संभाल। आप छोड़ दीजिए इसको, इधर कर। वाह क्या बात है बबीता जी, कितनी परफेक्ट है आप, क्या परफेक्ट सीढ़ी लेके आई है, हिले डुले नहीं ऐसी। वरना अभी मेरे घर पे स्टूल के, अरे भाई अभी ये तो हिले डुलेगी नहीं, तो अभी तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखिए क्या मस्त सीढ़ी लेके आए आप, आधी सीढ़ी चढ़ा के हाथ पहुंच गया, पूरा चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है बबीता जी, क्या है एक स्टार्टर का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा उसको ऐसा घुमा के थोड़ा कभी धूल कचरा उधर अंदर पहुंच जाता है ना, ऐसा थोड़ा फूक मार के सब कर दिया, स्टार्टर लगा दिया, हो गई चालू, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अभी 2 मिनट में ट्यूबलाइट पहले की तरह जगमगा उठेगी आपके चेहरे की तरह। जेठा अंकल जल्दी करो ना।
हाँ बेटा कर रहा हूँ, आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीजों में से मजा ढूंढ लेते हैं। अभी बोलो इनका शौक क्या है, बोले लाइट रिपेयर करने वाला कभी देख करता हूँ बेटा। अरे बाप रे, इसका स्टार्टर किधर है? ये भगवान, बबीता जी के सामने होशियारी तो मार दी है लेकिन इज्जत रखना, ट्यूबलाइट चालू कर देना प्लीज। टेंशन की बात नहीं, ये ऐसे निकलता है, ये नया टाइप के ना, थोड़ी अलग है ट्यूबलाइट, मेरे घर पे थोड़ी अलग है, तो एक बार ये जरा रख देंगे। ये भी निकलती है, ट्यूबलाइट भी निकलती है ऐसे। इधर पीछे छुप के बैठे देखो स्टार्टर नटखट। ये स्टार्टर को भी थोड़ा साफ कर दूंगा, अभी हो जाएगा ठीक से। जेठालाल की दुनिया हिल गई है। वो जेठाबरा की होगी क्या? अरे वो बाद में पूछते हैं, पहले नीचे तो उतारो उसको। जेठा अंकल के हाथ से ट्यूबलाइट तो निकालो। हाँ, मैं निकालता हूँ। आराम से भाई, थोड़ा संभाल कर। शॉक लगा है तो एकदम घटक बस। हाँ, जेठा भाई मुट्ठी को ढीला करो। सोड़ी तू एक काम कर, जरा वहां से मदद कर भाई। लगता है शॉक ज्यादा लगा है। वो क्या ना, शॉक थोड़ा ज्यादा लगा है, वरना मारो रोशन तू गबरू जवान छे। ओए थैंक यू सोनिया, तेरा अभी के अभी खुल जाएगा। जोर नहीं भाई, जोर नहीं, वो ट्यूबलाइट है, कांच लग सकता है हाथ में। हाँ सोनी भाई। अरे भाई रहने दो, रहने दो भाई, ट्यूबलाइट हाथ में है तो कोई नुकसान नहीं है, रहने दो। अरे वो ट्यूबलाइट का तो ठीक है, लेकिन ये थ्री पिन का कुछ करो ना भाई। भीड़ है, थ्री पिन तेरे नजदीक है, तू ठीक कर। अच्छा जेठालाल थोड़ा कॉपरेट करो। नहीं होगा, भीड़ के बस की नहीं है। वो हाथ में ट्यूबलाइट थी तो वो समझ में आता, लेकिन ये हाथ, ये ऐसे कैसे हुआ? वो एक्चुअली जेठा जी इस हाथ से वो स्टार्टर पकड़ने गए थे तो उसी में उनको शॉक लगा। ओ जेठा ब्रा तुझे ठीक तो ना, वो कुछ बोलो। ओ जेठा ब्रा कुछ बोल नहीं रहे, वो शॉक से कहीं इनकी आवाज तो नहीं चली गई? जेठा जी नहीं, आए, 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 आवाज है भाई, आवाज है।
अरे ये टाळ्या काय वाजवतोय? खुशी खुशी भाई गप्पस ना बबीता जी, शॉक लगा कैसे? मेरे भाई वो मैंने कहा ना कि जैसे वो स्टार्टर घुमाने गए ना उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। ओ मैंने तो लगता है इसकी वायर शॉर्ट हो गई है। ये आजकल के वायर का कोई भरोसा ही नहीं है, सब डुप्लीकेट माल। अरे वायर तो हमारे जमाने में मिला करते थे। अरे भाई वो अपना जमाना, तू आज की बात कर भाई, अभी की बात कर। जेठा भाई का क्या हाल हुआ है देखो। हाँ जेठा भाई को देखो, उनकी हेयर स्टाइल एकदम चेंज हो गई। पर जेठा अंकल ये हेयर स्टाइल में मस्त लग रहा है। आप सब लोग मेरे घर पे। अरे जयडाराल ऐसा क्यों बैठा है? What happened बबीता? अय्यर जेठा जी हमारे बिगड़े हुए ट्यूब को ठीक करने के लिए आए थे, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा और ओह नो थैंक यू। अय्यर भाई जेठा भाई को इतना मोटा शॉक लग गया है और आप उनके थैंक यू बोल रहे हो? माल करता है। नहीं रोजन बाबी, वो जयटालाल हमारे घर में ट्यूब ठीक करने आया ना, इसलिए थैंक यू बोला। नाइस जेस्टर मिस्टर सुब्रमण्यम। शौक तो लगेगा ही ना। क्यों क्यों क्या, जो काम आता नहीं है वो करना नहीं चाहिए। जयटालाल इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है। अय्यर अंकल बबीता आंटी ने तो पूछा भी था, आर यू श्योर आपको ट्यूबलाइट ठीक करना आता है ना? घर से ट्यूबलाइट ठीक करके आया हूँ। फिर वो शुरू हो गए and the rest is history। अभी हम किसी छोटे बच्चे को स्टेयरिंग व्हील हाथ में दे देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो छोटा बच्चा ड्राइविंग सीख गया। ओ बराबर है यार, और तू तो साइंटिस्ट है, मेरे गैराज में आके थोड़ी ना गाड़ियां ठीक कर सकता। करेक्ट है, उसी तरह सूट भी अय्यर की तरह लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। करेक्ट, और क्यों नहीं कर सकता भाई? वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए वो अलग बात है, पर एक्सपेरिमेंट मैं कर जरूर सकता हूँ। लोग क्या बातें कर रहे हो, जेठा भाई को शौक लगा है, उनके बारे में सोचिए ना जरा। लगता है जेठालाल बहुत डर गया। नहीं जेठा भाई की आवाज कांप रही है। हम लोग जल्दी से जल्दी जेठा भाई को डॉक्टर हाथी के यहाँ ले चलते हैं। करेक्ट सुनिए। नहीं कि डॉक्टर हाथी के घर नहीं जाना। नहीं खुद के घर जाना है। कमाल की आवाज निकाल रहा है ना जेठा अंकल। नहीं बोले आप, एक मिनट जेठालाल, तुम्हें डॉक्टर हाथी के पास नहीं जाना है, खुद के घर नहीं जाना है, तो फिर इस हालत में कहाँ जाना है? दुकान? नहीं इसे घर लेके चलते भाई, चलो। ये ओ चलो जी चलो, जेठा भाई को उठा के घर ले चलते हैं। नहीं क्या हुआ जेठालाल, घर नहीं जाना? अरे क्या हाँ नहीं चल रहा तुम्हारा जेठालाल? नहीं नहीं एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर जाने के लिए तैयार है लेकिन उठा के लेके जाने के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, बगा बगा। अच्छा मतलब तुम खुद से घर चलना चाहते हो? हाँ तो चलो चलो। अंकल आपका ट्यूबलाइट लेकर जा रहे हैं। जड़ागल ट्यूबलाइट तो दे कर जाओ। चल। जेठालाल क्या हुआ? क्यों है? हाथ मुझे लगा। ओके ठीक हाँ चलो रंजी, मैं आता हूँ छोटा भी थोड़ी देर में, ठीक है? अरे तारक क्या बात है, अपना गोकुलधाम इतना सुनसान क्यों है? हाँ भाई कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी नहीं होता, कहाँ गए सारे लोग? इधर 4 इंच का स्टेप है इसलिए बोला। संभल के संभल के। कहाँ गए सारे लोग? एक मिनट इधर 8 इंच का स्टेप है। ये क्या स्टेप संभले? अरे क्या हो गया जेठालाल? अरे मेहता साहब, जेठा भाई को अय्यर भाई के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करते वक्त जोरदार शॉक लग गया।
लगता है बहुत जोर का झटका लगा है, बाल भी खड़े हो गए भाई। बाप रे, जेठा भाई को जल्दी हाथी भाई के घर ले चलिए। हाँ नहीं 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 लेके जाएंगे, तुम्हें अपने घर जाना है ना। हाँ वही लेके जा रहे। अच्छा चलो घबराओ मत जेठालाल, तुम्हारे घर ही चलते हैं। आओ आ जाओ। ओपिडो वाइगो जी की कृपा है जेठा भाई, यार शुगर है मैं तो जो हो ना जब मैं तनु कह रहे हैं। गोली एक काम कर, तू घर पे जा और पापा को जेठालाल के घर पे जल्दी। हां देखा दादाजी, आज फिर मैंने आपको कार रेसिंग में हरा दिया। अरे तो क्या हुआ, तू देखना कल मैं तुझे हराऊंगा। देख नहीं नहीं मैं नहीं हारूंगा। अरे क्या है देखना, तू देखना। नहीं मैं जीतूंगा। अरे संभल के जेठालाल, संभल के। तो क्या होता है, अंदो अंदो अंदो, आराम से आराम से आराम से, एकदम संभल के जेठालाल। क्या हुआ जेठिया, बैठो 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 बैठो। अरे क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ आपको? हाथ मत लगाना भाई, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे चाचा जी, जेठालाल आयर के घर पे ट्यूबलाइट रिपेयर करने गया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लग गया इसे। ये क्या अनर्थ हो गया? टप्पू के पापा, आपको ज्यादा करंट नहीं लगा ना? बोलिए ना, आप ठीक है ना टप्पू के पापा, आप ठीक है ना? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप ठीक हो ना टप्पू के पापा, ठीक हो ना? ना खतरनाक करंट था, पूरे बदन में अभी भी तम तम हो रहा है, ऐसे लग रहा है पूरे बदन में लाल चींटियां दौड़ रही है। कुछ ही पल का करंट था, लेकिन क्या करंट था? सात जन्म सात पीढ़ी याद दिलाती, भगवान दुश्मन को भी ऐसा खतरनाक करंट का एहसास ना करवाए। टप्पू के पापा, लगता है आजकल आपकी कुंडली भारी चल रही है, हमें करंट हवन करवाना पड़ेगा। करंट हवन? हाँ देखिए ना, आज फिर आपको करंट लगा, और उस दिन पता है मोबाइल चार्ज करने रखा था और आप लेने गए और आपको करंट लगा था। ए जेठा प्रा, अगर ये करंट इंसान होता ना तो मैं इसको जम के पकड़ के ऐसे पटकता, ऐसे पटकता, ऐसे पटकता कि ये करंट कभी भी किसी को करंट मारने के लायक नहीं रहता। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे नीचे देख। अरे ठीक सॉरी पोपू, सॉरी भाई, मैं करंट नहीं पोपंट हूँ। पोपंट पोपट हूँ। सॉरी सॉरी पप्पू यार, सॉरी सॉरी। वैसे सॉरी तो हमें कहना चाहिए। जेठा जी, आप हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए आए थे और आपके साथ ये हादसा हो गया। I'm very sorry about it, please। मिचर टुप्पू के पापा। नहीं बबीता जी, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये डबल ढोलकी, कभी बोलता है शरीर में तम तम हो रहा है, कभी बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख तेरा चेहरा, देख कितना डरा हुआ है तू। हाँ पापा, बी स्ट्रॉन्ग, जरा सा ट्यूबलाइट का करंट ही तो लगा है। टप्पू, भले ट्यूबलाइट का करंट लगा हो लेकिन जोरदार करंट लगा है। हालत तो देख तेरे पापा की, दिन में भूत देख लिया हो ऐसे हो गए है। बिल्कुल ऐसी आवाज निकलती है, ऐसा ही महसूस होता है जब अचानक आपका हाथ किसी गर्म चाय के प्याले से टकरा जाए या फिर दरवाजा बंद करते हुए उंगली आ जाए। और जेठालाल को तो बिजली का झटका लगा है, कैसा महसूस कर रहे होंगे मेरे मित्र। भाई बिजली का काम है, सावधानी से करना चाहिए। आप लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ, जब तक जानकारी न हो तब तक बिजली के उपकरणों से छेड़खानी मत करिए। अगर छोटा सा बल्ब भी बदलना है तो पूरी सावधानी बरतिए। पाँव में या तो स्लीपर्स पहनिए या लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी के टेबल पर खड़े होइए। ये सावधानी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली का झटका बड़ा मुश्किल पैदा कर देता है साहब। लेकिन यहाँ पे ये बिजली के झटके से ज़्यादा डर का जो झटका है, जो जेठालाल को लग रहा है, उससे क्या होने वाला है। जिस तरह बाजार में डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, कहीं ये डर बढ़ता चला गया तो, या जिस तरह शेयर बाजार में मंदी आ रही है, चिंता मत कीजिए, शेयर बाजार में भले ही मंदी आ जाए, आपके घरों में हंसी कभी मंद नहीं पड़ेगी। हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।